फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स वेलकम बैक। दोस्तों आज इस वीडियो में आ गया हूँ आपके लिए लेकर के कुछ अपडेट, कुछ न्यूज जो कि येडा ने अनाउंस की हैं और कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल हैं। एक सवाल भी लूंगा मैं इसमें, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। और जो लोग नए हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए, या फिर आप जो है मेरी पिछली वीडियो देख कर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर देख लेते हैं। दोस्तों मैं पहला एक सवाल ले लेता हूं। सबसे पहले देखिए, एक सवाल मेरे पास में आया था कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो है कमी हो गई है, तो अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या करें क्या ना करें। तो देखिए उसके रिगार्डिंग में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जैसे ही आपका ड्रॉ निकलता है, तो ड्रॉ में अगर आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद में अगर आपके जो पेपर्स हैं उसमें कुछ कमी मिलती है तो आपको 15 दिन के अंदर जो है वो एक लेटर आ जाता है वहाँ से, और उनके उसमें जो भी कमी पेशी होती है वो आपको दोबारा से जमा कराने होते हैं। अगर 15 दिन के अंदर आप उसको जमा नहीं कराते हैं तब आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है NMRC स्टेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 25 स्टेशन जो है प्रपोज किए गए हैं, और कुछ लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ पे स्टेशन होंगे, तो जो एक प्रपोज स्टेशन होते हैं वो बताया था। तो उसका जो है अभी देखिए एक लिस्ट आ गई है। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताऊंगा, ये नॉलेज पार्क 2 से कनेक्ट किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट को। तो उसमें पहला जो है नॉलेज पार्क 2 बनाया जाएगा, उसके बाद में चाय 1 जो है, चाय 2, चाय 3 और चाय 5, ये जो हैं ये 5 स्टेशन हो जाते हैं। उसके बाद में जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जाएगा, उसके बाद में नाइट सफारी में एक स्टेशन बनाया जाएगा, उसके बाद में जो 8वां स्टेशन पड़ता है वो मुर्शदपुर का पड़ेगा, उसके बाद में जो यमुना अथॉरिटी का जो है वहाँ पर एक जो है स्टेशन बनाया जाएगा। देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो सकता है, ये मैंने खाली लिखे हुए हैं जो प्रपोज्ड स्टेशन माने गए हैं। उसके बाद में जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास में एक स्टेशन बनेगा। उसके बाद में देखिए सेक्टर 17A के अंदर में जो कि यमुना येडा के अंदर में आता है वहाँ पर बनेगा, स्पोर्ट्स सिटी के अंदर में एक स्टेशन बनाए जाने का जो प्रावधान रखा गया है प्रपोज्ड है, जो सेक्टर 22A में है, 22B में भी है, सेक्टर 18A के अंदर में है, 22C में है, सेक्टर 19 में है जो कि JP का पड़ता है, जो गौर सिटी है सॉरी, और सेक्टर 2 में है, सेक्टर 20 में है और सेक्टर 21 में है, उसके बाद में सेक्टर 28, 29 और फिर उसके बाद में नगला हुकुम सिंह एक स्टेशन का नाम है वहाँ पर प्रपोज किया गया है। लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि इसके रिगार्डिंग में एक चीज़ अभी मैं आगे बताऊँगा, उसके वजह से मेरे को डाउट लग रहा है कि यहाँ पर ये स्टेशन बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद में जो लास्ट स्टेशन होगा वो होगा देखिए आपका एयरपोर्ट का, जो कि 25वां स्टेशन होगा। अब हम बात कर लेते हैं और क्या इसमें अपडेट आई है। तो आपको मालूम होगा, देखिए आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे, ये मैंने वैसे ही यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन आप जो है इसको यहाँ पर फिगर में भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये बोटनिकल गार्डन है जो कि एक मेट्रो है DMRC की, वो यहाँ तक है, उसके बाद में 51 तक जाती है। तो देखिए वहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रेच है जो कि हमको पैदल चल के दिल्ली के लिए मेट्रो पकड़नी पड़ती है। तो ये फिलहाल अभी देखिए एक एक्वालाइन है जो कि 30 किलोमीटर की है, जो कि जाती है आपकी नॉलेज पार्क तक। तो इसको आगे डिपो, एक डिपो है वहाँ तक बनाने का जो है, बोर्ड की डिपो है बेसिकली, वहाँ तक प्रपोज किया गया है। एक लाइन जो है ये प्रपोज की गई है सेक्टर 51 से लेकर के यहाँ तक जो है नॉलेज पार्क है यहाँ पर, वहाँ तक जो है इसको बनाया गया है। तो इसके रिगार्डिंग में अभी देखिए जो नोएडा अथॉरिटी है उन्होंने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से जो पैसेंजर जाते हैं ग्रेटर नोएडा से, जो नोएडा को कनेक्ट करती है लाइन एक्वा लाइन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक स्टेशन है 142 करके, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर जाना पड़ता है, फिर वहाँ से जो है एक फुटओवर ब्रिज भी बनाने की बात हो रही थी अभी, तो वहाँ से फिर आप इसको पकड़ते हैं। ब्लू लाइन जो है बेसिकली ये जो जाती है द्वारका वाली लाइन है, यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो है 142 से कनेक्ट किया जाएगा बोटनिकल गार्डन को, जो कि 12 से 14 किलोमीटर की एक लाइन है। इसमें देखिए 11 स्टेशन रखे गए हैं जो कि सेक्टर 94 में है, 125 है, फिर 126, 97, 127, 98, 93, 91, 136 और फिर 142, ये स्टेशन यहाँ पे बनाए जाएंगे। इसका जो प्रोजेक्ट है 2023 तक कंप्लीट करने का जो है टारगेट रखा गया है। अगर मैं इसके बजट की बात करूँ तो 1500 से 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट रखा गया है। इसमें देखिए ग्रेटर नोएडा ने ये बोला है कि हमारे पास में नहीं है पैसे, तो हमने जो है किसी को दिए हुए हैं, इधर उधर जो है प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो उन्होंने जो नोएडा अथॉरिटी है उनसे कहे हैं कि आप लोग इसमें जो है फंड कीजिए। मैप आप देख सकते हैं यहाँ पर,
और ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है ये बेसिकली वो लाइन है जो एयरपोर्ट के लिए मैंने बताई है अभी, जिसमें कि 25 स्टेशन रखे गए हैं। तो ये वाली लाइन भी आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी जानकारियाँ इतनी पुख्ता ना हो, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वही आपको दूँ, अननेसेसरी का आपको मिसगाइड ना करूँ। तो आप जो है अगर आपके पास में कोई अच्छी जानकारी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। कल मुकेश शर्मा जी ने काफ़ी अच्छी बात कही थी, लेकिन मैंने आज फिर दोबारा वो कन्फर्म की है। उन्होंने कहा था कि इसमें जो है सेल डीड जो लीज डीड है वो दोबारा से नहीं करानी है, तो मैंने आज फिर कंफर्म किया है। और मैंने कल भी बताया था कि देखिए जो पुरानी जो एलओटीज को जो लीज डीड होती है वो कैंसिल करानी पड़ती है, और जब वो कैंसिल हो जाती है तो दूसरा जो उसको खरीदेगा तो उसको भी तो लीज़ करानी पड़ेगी ना। तो जब वो लीज़ करानी होगी तो उसका नाम से वो होगी और सारा सेम प्रोसेस दोबारा से होगा, ये मैंने कन्फर्म किया है। बाकी आने वाले टाइम में क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही सही हूँ, मुकेश जी आप भी सही हो सकते हैं, मुकेश शर्मा जी तो, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है मैं वही आपको दे रहा हूँ। और ये कोई जानकारी मैं वैसे ही नहीं दे रहा हूँ कहीं से, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो जब हम करेंगे इस काम को तब हमें पता लगेगा ज़्यादा। दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ पेमेंट्स के रिगार्डिंग में। तो देखिए जब भी आप पेमेंट्स करते हैं तो आप जो है ध्यान से करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप मेरे को ब्लेम ना करें कि मैंने ऐसा कह दिया, क्योंकि देखिए आप कमेंट्स में जो लिखते हैं हो सकता है कि आप कुछ और कह रहे हैं और मैं कुछ और कह रहा हूँ वहाँ पर। तो जिस तरीके से भी मैंने जो मैंने किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए प्लीज़। अब जो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बात करी थी, तो देखिए मैंने कल बताया था कि एक पोर्ट टैक्सी का भी जो है प्रपोजल चल रहा है येड़ा की तरफ से, तो आज उसमें एक अपडेट आ गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला था तो वो सबमिट कर दी गई है। तो इसका जो प्रोजेक्ट दिया गया है देखिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन को दिया गया है, उनको बोला गया है कि आप इसका जो है प्रोजेक्ट देखिए और DPR बनाइए, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। तो उन्होंने उससे पहले जो है उनसे ड्राफ्ट रिपोर्ट मांगी थी, तो उन्होंने ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जिसमें कि जो मोटा मोटा है 400 करोड़ रुपए का जो ड्राइवर लेस पोर्ट होगा, जो एक तरीके का एक शेल टाइप का है जो टैक्सी का काम करेगा, उसकी जो है उसमें अनुमानित लागत बताई गई है। उसमें दो मोड दिए गए हैं, जो कि एक जो है 60 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का खर्चा आएगा जिसमें कि ड्राइवर लेस होगा वो, और एक आएगा 40 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का जिसमें ड्राइवर जो है उस चीज़ को चलाएगा। तो अब देखना ये होगा कि DPR जो है उन्होंने मांगी है उनसे, ये तो थी खाली ड्राफ्ट रिपोर्ट, तो 20 अप्रैल तक का उनको टाइम दिया है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अगले महीने के एंड तक जो है वो DPR सबमिट हो जाएगी, उसके बाद में अगर वो पब्लिक में आती है तो मैं उसमें से आपको डिटेल शेयर कर लूँगा। तो ये जो है आने के बाद में वो बनाया जाएगा। अब मैं जो ऊपर बता रहा था कि जो मुझे डाउट हो रहा है नगला हुकम सिंह का, वहाँ पर स्टेशन बनेगा या नहीं, तो उसके लिए मैं यही कह रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट लाया जा रहा है ये बेसिकली इसीलिए लाया जा रहा है क्योंकि देखिए सेक्टर 21 में जो फिल्म सिटी है वहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए कोई स्टेशन नहीं है जो मेट्रो रेल का जो है बनाया गया है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो जब उसमें लिखा हुआ है कि कोई स्टेशन नहीं है तो फिर नगला हुकुम सिंह जो है नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो मेट्रो रेल है वो अलग से हो और ये जो है अलग से बनाई जाए जो कि फिल्म सिटी से एयरपोर्ट को जोड़ेगी खाली, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर एक जो है टूरिस्ट पैलेस जो है डेवलप करेंगे ताकि जो लोग आते हैं फिल्म सिटी देखने के लिए वो जो है उसमें पोर्ट टैक्सी से जो है वहाँ पर घूम सकें। तो शायद हो सकता है कि ये एक अलग प्रोजेक्ट हो और वो एक अलग प्रोजेक्ट हो, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। तो ये तो था प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में कि क्या अपडेट चल रही है, अगले महीने तक इसका भी बन जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा था न्यूज़ की, तो मैं न्यूज़ आपको दे देता हूँ। देखिए सेक्टर 22D में जो हैं 7000 फ्लैट होंगे हैं जो बनाए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, जो कि आपको मालूम होंगे, आपने देखे होंगे, हालांकि मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लगे वो, काफ़ी छोटे हैं और जो बिल्ड क्वालिटी है उनकी काफ़ी अच्छी नहीं है। तो वो वहाँ पर एक अनाउंस करने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो प्लॉट हैं वहाँ पर उनके लिए, वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो है वहाँ पर एक कमर्शियल जो है वो बना दें, हब बना दें, जो कि सेक्टर 18, 20 और 22 को बेसिकली कैटर कर सकें, अपनी सर्विसेज दे सकें। तो देखिए उसमें 57 प्लॉट्स हैं टोटल, 57 प्लॉट्स में जो कि 35 से 212 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट होंगे उनको जो है डाला जाएगा, जिस तरीके से ये रेजिडेंशियल वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं उनकी भी डिटेल दूंगा, जो लोग इसमें इच्छुक हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को खरीदने के लिए वो उसमें देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो रजिस्ट्री की बात चल रही थी,
तो देखिए 10 तारीख में 10 मार्च को जो इसके सीईओ हैं येड़ा के अरुणवीर सिंह जी, उन्होंने बताया था कि जो आईजे ब्लॉक है सेक्टर 18 में वो मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मेरे एक दो लोग हैं जानने वाले वो भी जो है उस चीज़ को देख रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि की है कि हाँ काफ़ी काम हो चुका है, बाकी तो मैं आपको वहाँ पर जाने के बाद बताऊँगा। और सेक्टर 20 में की अगर बात करूँ तो जो ब्लॉक हैं ए बी सी और डी, इसमें काफ़ी काम हो चुका है। अब इसमें क्या क्या हो गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाटर टैंक है जो आईजे ब्लॉक के पास में, आपने देखा होगा अगर जो लोग वहाँ पे हैं, तो वहाँ पर जो है मार्किंग वगैरह कर दी गई है, जो ब्लॉक्स लगाते हैं प्लॉट्स के नंबरिंग वगैरह कर दी गई है, सिविल का काम पूरा हो चुका है, रोड वगैरह जो है बन चुकी है, लेकिन कुछ प्लॉट अभी भी ऐसे है जहाँ पर देखिए फसल लगी हुई थी उसकी बाउंड्री वगैरह नहीं की गई है। तो अब मुझे नहीं पता उसमें स्टे लगा हुआ है या फिर उसकी जो है अलॉटमेंट मतलब जो मनी है वो नहीं दी गई है, कैंसिल हो गया क्या हो गया, वो तो वहीं जाके पता लगेगा अगर कोई मिल जाता है तो बात करने के लिए। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो है 350 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं आईजे ब्लॉक के अंदर में। अब बात कर लेता हूँ देखिए रीसेल का, तो वहाँ पे जो मैंने पूछा है वो जैसे कि मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि जो 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट हैं वो 55 लाख रुपए तक से स्टार्ट होते हैं, 55 लाख से स्टार्ट होते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि पीएलसी भी ज़रूर लगेगा। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत तौर से उनसे बात कर लें, ऐसा ना हो कि आप उनसे डील कर लें और बाद में वो पीएलसी भी आपके ऊपर लगाएं। तो 500 स्क्वायर मीटर के अगर मैं बताऊं तो 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के वो आपको ऑफर दी जा रही है वहाँ पर जो रीसेल में है प्लॉट। 2000 स्क्वायर मीटर की बात करूं तो 2 करोड़ से लेकर के 2.5 करोड़ तक, और जो 4000 वाले हैं वो 4.25 से 4.5 से कुछ तक जो है वो आपको करोड़ तक मिल रहे हैं ऑफर में। ऑफर मतलब इन पे सब पे पीएलसी भी लगेगा, ये आप याद रख लेना। और जो मैंने कल की वीडियो में बताया था मैं अपने आप में श्योर हूँ कि हाँ ऐसा भी है, जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह का मैंने बताया था लीज डीड वगैरह का। अब मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि रजिस्ट्री के बारे में भी कुछ बताएं कि रजिस्ट्री का क्या अपडेट है। तो देखिए अभी तक जो है 5500 रजिस्ट्री कर चुके हैं येड़ा, और जो है 2500 का टारगेट रखा गया है कि वो मार्च एंड तक कर देंगे। हालांकि अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है कि 2500 में से उन्होंने कितने कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये तो थी अपडेट जो है प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में थी, और कुछ सवाल मैंने इसमें लिए थे। मैं रोज़ाना जो है कुछ ना कुछ सवाल लूँगा और जो अपडेट है वो आपको देता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है वो आएगी सेल डीड क्या होता है और जो लीज डीड होता है वो क्या होता है, ताकि हम लोग क्लियर कर सकें कैसे होती है। दोस्तों अगर मेरे से ऐसे से कुछ कमियां हो जाती हैं तो आप उसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर दें, ताकि मैं भी उसको सही कर सकूं। तो बने रहिए, और बाकी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होती है, नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।